हेलो फ्रेंड्स, अक्सर जब भी हम पार्लर में थ्रेडिंग बनवाने जाते हैं तो हमारी भौहों पर पिंपल निकल आता है, जो कि हमें थ्रेडिंग के मामले में बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। इसीलिए थ्रेडिंग बनवाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, मैं आपकी दोस्त आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिसका यूज़ करके आप पिम्पल से अपने आप को बचा सकते हैं। टिप नंबर वन, जब भी आप पार्लर में आईब्रो बनवाने जाएं तो अपनी आईब्रोज को अच्छी तरीके से टाइट करके पकड़ें, ताकि आपकी स्किन लूज ना पड़े, क्योंकि ऐसा होने पर अगर आपकी स्किन लूज हो जाती है तो वहीं पर दाना निकल जाता है या फिर कट भी लग सकता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए जब भी आईब्रो बनवाने जाएं तो अपनी आईब्रोज को अच्छी तरीके से और टाइट करके पकड़ें। नंबर टू, जब भी आप पार्लर में आईब्रो बनवाने जाएं तो अपनी आईब्रोज पर बेबी पाउडर जरूर लगा लें। ऐसा करने से वो पाउडर सारे तेल को सोख लेगा। थ्रेडिंग बनवाते टाइम पर आपको पेन कम होगा, साथ ही साथ दाने निकलने का खतरा भी कम हो जाएगा। नंबर थ्री, थ्रेडिंग करवाने के बाद अपनी थ्रेडिंग वाले एरिए को, यानी कि इस हिस्से को, अपने गंदे हाथों से ना छुएं। ऐसा करने से वहाँ पे इन्फेक्शन फैल सकता है, जिसकी वजह से उस एरिया पर दाने पनप जाएंगे। नंबर फोर, अपने फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करें। जब भी आप थ्रेडिंग करवाने जाएं तो उसके बाद अपना चेहरा वॉश करके एक अच्छा सा मॉइस्चर लगाएं, लेकिन ध्यान रहे कि आप नेचुरल मॉइस्चर ही लगाएं, क्योंकि इसके अंदर सिंथेटिक ऑयल नहीं होता है। सबसे अच्छा उपाय आपके लिए एलोवेरा हो सकता है। एलोवेरा जेल को अपने हाथों पर हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने चेहरे पर लगाइए। ऐसा करने से जलन कम होती है और पिंपल्स भी नहीं निकलते। टिप नंबर फाइव, हमेशा पसीना पोंछते रहें। जब भी आप थ्रेडिंग करवा कर आएं और अगर आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है तो अपने पसीने को लगातार पोंछते रहें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खुले हुए छिद्रों में वो पसीना भर जाएगा और उन छिद्रों को बंद कर देगा और उसी एरिया पर पिंपल निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनका ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है थ्रेडिंग करवाते समय पिंपल से बचने के लिए। इन्हें आजमाइए और अपने व्यूज़ को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।